लगातार राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे युवा आबादी वाला देश भी है। 18 वर्ष से ज्यादा के युवाओं से मैं इतना ही कहूंगा, आइए बड़ी तादाद में और वोट कीजिए, चुनिए एक मजबूत सरकार जो जैसे देश आगे बढ़ रहा और आगे बढ़े और हमारा देश इसी तरह से विकसित भारत भी बने। क्योंकि आप 18 साल से ज़्यादा वालों को ये भी कहूँगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपके वोट का बहुत महत्व है, तो पहला वोट देश के लिए। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए, यही अपील सभी से की जा रही है। इस बीच सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद, उनका भी बयान सामने है, सुनिए। देखिए, अच्छा है, जो सबसे बड़ी बात है कि कोई कटुता नहीं है और जो लोगों ने बहुत कोशिश करते हैं कि एकदम चुनाव के दौरान आप एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम हो, तो ऐसी कोई कटुता नहीं है, सब प्रेम भाव के साथ हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनका भी क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे विदिशा की जनता की सेवा करने का फिर एक बार अवसर दिया है। तो सभी अपील कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए तमाम मतदाता, और बढ़ चढ़कर बड़े बड़े ग्रुप में पहुंचे मतदान केंद्र, मतदान कीजिए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका भी बयान सामने आया, सुनिए। आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान है। मेरा आप सब से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस महाउत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। तो पहले चरण का ये मतदान सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनका भी बयान सामने आया, सुने। मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग, कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है उसको और मजबूती देनी है, सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आज उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, नागपुर से चुनावी मैदान में है, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं, 101% मुझे विश्वास है, और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे। ये भी भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए, देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए, और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया।